नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का उत्तराखंड का जो सॉल्यूशन है सेट नंबर 41 का। 21st क्वेश्चन नंबर था, राज्य में स्वामीराम पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जाते हैं? ये दिए जाते हैं आपके 2006 से। जो स्वामीराम ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1989 में, शायद आगे क्वेश्चन भी वहां पर देखते हैं इसको। 2006 में जो है स्वामीराम पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो है ये दिए जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारी चीजें हैं याद रखने के लिए। 2006 में एक आपका देहरादून में आरबीआई का जो है एक केंद्र खुला था, देहरादून में ही दून पुस्तकालय, इसके अलावा टिहरी जो टिहरी डैम बना है उसकी पहली यूनिट राष्ट्र को समर्पित हुई थी 2006 में ही, और 2006 में ही एक पौधरोपण नीति भी आती है। तो सन कभी भी किसी को याद नहीं होते, हाँ ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक चीज के बहाने क्या हो जाएगा, दो तीन चीजें यहाँ पर याद हो जाएंगी। 22 है, सिलियारा नवजीवन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये दोनों के द्वारा की गई थी, सुंदरलाल बहुगुणा और विमला बहुगुणा। 1954-55 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन फोर्थ में है वीरेंद्र कुमार, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है रैनी जांच कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना, रैनी जांच कमेटी के अध्यक्ष। ये रैनी जांच कमेटी आपको पता है कब बनी थी, 1977 में जब चिपको आंदोलन हुआ था उसके बाद इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 21 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र निम्न से किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया था धरणीधर चंदोला के द्वारा, चित्रकार एवं संगीतकार है ये एक, तो इनके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि का समापन किसके प्रयासों से किया गया? ये किया गया स्वामी मनमथन के प्रयासों से 1969 में। यहाँ पर जो है बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई, किसके प्रयासों से, स्वामी मनमथ के प्रयासों से। कौन थे स्वामी मनमथ? केरल से यहाँ पर आते हैं और 27 दिसंबर 1977 आपको पता है श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन में उसकी स्थापना करते हैं, और 1990 में इनकी जो है हत्या की जाती है वहां पर किसी के द्वारा। टिहरी में ये कई सारे आंदोलनों से जुड़े रहते हैं, वहां पर एक जल की व्यवस्था से, पेयजल की व्यवस्था से संबंधित एक बंठा आंदोलन भी हुआ था। बंठा आंदोलन, बंठा होता ना जिसमें पानी भरते हैं, तो उसी से संबंधित था, उसी के नाम से है मतलब। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेयो स्ट्रीट नामक सड़क किस नगर की मुख्य सड़क है? तो जो रानीखेत जो मुख्य बाजार की जो सड़क है उसका नाम मेयो स्ट्रीट बोला जाता है। आधुनिक रानीखेत को 1869 में बसाया गया था, 1869 में, और माना जाता है कि 1869 में ही यहाँ पर रानीखेत छावनी की भी स्थापना हुई थी, और उसी छावनी के साथ इसका यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। जैसे आपने देखा होगा कालो डांडा की स्थापना 87 में मानी जाती है, जब वहां पर क्या है एक सैन्य बटालियन आती है ना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती है रानीखेत में। एक तो रानीखेत का उपट गोल्फ मैदान, ये मैं पेपर में दे चुका हूँ, उपट नाम है उस गोल्फ मैदान का। रानीखेत में नागदेव ताल भी है, नागदेव ताल, और रानीखेत को ही विलियम डोगल्स ने क्या कहा था, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन जो है इसको माना है, किसको, रानीखेत को। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा? ये कंपोजिटी का, और कंपोजिटी को ही एस्टरेसी भी कहा जाता है, ऐसे कहो कि एस्टरेसी को ही कंपोजिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध व चर्चित पुस्तक मैन एंड फॉरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई अजय सिंह रावत के द्वारा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ये भी किसके द्वारा है, अजय सिंह रावत के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कुछ रचनाएं देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये जय सिंह रावत का, मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश सेली, हिमालय का इतिहास हो गया मदन चंद्र भट्ट, हिमालय के खस हो जाएगा डीडी शर्मा, कुमाऊं का इतिहास परिदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरे कृष्ण रतूड़ी, और टिहरी का इतिहास आएगा तो शिव प्रसाद डबराल। इतिहास इतिहास ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवंबर 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किया गया था गोरा देवी को। गोरा देवी आपको पता है चिपको आंदोलन से संबंधित थी, और इनको जो है चिपको वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
ध्यान रखना यहाँ पर इनकी बहन थी बाली देवी राणा, वो भी इसी आंदोलन से जुड़ी थी और उनको भी 1987 में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है। बाली देवी राणा ने 2004 में UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो सम्मेलन होता है हर वर्ष नैरोबी में होता है, तो नैरोबी में 2004 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था बाली देवी राणा ने। क्वेश्चन नंबर 30, ऋषिकेश स्थित एम्स का शिलान्यास किस वर्ष हुआ? इसका शिलान्यास हुआ था 2004 में और 2012 में जो है ये बनकर इसका उद्घाटन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, कालू विनायक नामक गणेश मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये आपका चमोली में, कालू विनायक कलुआ विनायक बोलते हैं इसको, कलुआ विनायक रूपकुंड टाइप पर स्थित है। इसके अलावा गणेश से संबंधित कुछ चीजें आ रही है, जैसे नृत्य करते गणपति कहां से मिलते हैं? जोशीमठ से। और एक आता है कि मयूर सिंहासन पर विराजमान गणपति की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये हुई आपका कहां से? लाखा मंडल से। 32 है, SDRF को राज्य सरकार ने किस वर्ष मंजूरी दी? SDRF क्या होता है? देखो SDRF ये है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, है ना, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आपको पता है 2013 में भीषण आपदा आई थी केदारनाथ घाटी में, तो 2013 जुलाई में एक समिति का गठन किया गया था, कौन सी? बधाणी आयोग। और बधाणी आयोग किससे था? आपदा प्रबंधन से संबंधित था, है ना, और उसके बाद ही SDRF को भी यहाँ पर क्या दी जाती है? स्वीकृति दी जाती है और इसका गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? इन्होंने किया था साप्ताहिक हिंदुस्तान का, एक दिनमान पत्रिका करके भी आती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुजफ्फरनगर कांड से व्यथित होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? ये किया था बलवंत मंदाल ने, और उसमें इन्होंने एक कविता भी लिखी थी, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। क्वेश्चन नंबर 1 से गिरीश तिवारी, तो इनकी कुछ रचनाएं हम जान चुके हैं, जैसे हमारी कविता के आखिर, मैंने बताया था हमारी कविता के आखिर कहीं कहीं पर शेखर पाठक की भी रचना मिलती, हो सकता है दोनों की हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इसके अलावा इनकी है नगाड़े खामोश है और शंखमुखी शिखरों पर, धनुष यज्ञ भी इनका है। थर्ड में है वीरेन डंगवाल, इनका है एक तो है तोप तोप कविता, ये NCERT की किसी 9th क्लास में शायद, एक आता है आप यहाँ पर दुष्चक्र की सृष्टा और एक आता है स्याही ताल। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो कोटद्वार में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अभी कुछ पेपर पहले ही बताया था, है ना, क्या बताया था? शॉर्टकट ट्रिक क्या थी? शॉर्टकट ट्रिक थी जय तारा बद्री, हर बद्री और मुकुंद। हमने क्या देखा था कि जो पहले वाला तारा है वो जोशी है, सॉरी जो पहले वाले बद्री हैं वो जोशी हैं, जो बाद वाले बद्री हैं वो हैं पांडे। तो क्या था? जयदत्त जोशी, तारादत्त गेरोला, बद्रीदत्त जोशी। तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? कोटद्वार में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। हाँ, पता कहाँ चलेगा? क्या पता कैसे चलेगा कहाँ पर हुआ? अ ह को क टन ग, है ना, आ से अल्मोड़ा, हा से हल्द्वानी, को से कोसों के कोटद्वार, कोटद्वारी हमें पूछा गया है, कहा से हो गया? काशीपुर, टन से टनकपुर, गन से गनिया देवरी अल्मोड़ा। तो ये बता चुका हूँ, आप लोगों ने शायद देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 से निम्न में से किस शहर को बमोरी घाटा के नाम से जाना जाता था? तो जो काठगोदाम है उसका नाम बमोरी घाटा मिलता है, जो नंदप्रयाग है नंदप्रयाग का जो राजस्व अभिलेखों में वहां पर नाम मिलता है कंडासु, देखा होगा आपने पिछले किसी पेपर में था ये। टनकपुर हो गया तो इसका नाम गास्टिनगंज मिलता है, ऑप्शन थर्ड में, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है, सल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हरगोविंद पंत के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर दो रचनाएं मिलती हैं हरगोविंद पंत की, एक तो आता सल्ट पर कैसी भी थी, दूसरी आती राजनीतिक प्रवेशिका। हरगोविंद पंत के संबंध में एक और क्वेश्चन आता है कि 1928 में कुमाऊं में इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को तोड़ा था स्वयं हल चलाकर। ऑप्शन सेकंड में जीबी पंत है, इन्होंने रोलेट एक्ट का भी विरोध किया था, है ना।
क्वेश्चन नंबर 38 है, किस गवर्नर द्वारा सतोपंथ झील में आत्महत्या को प्रतिबंधित किया गया? देखिए ये किया गया था ट्रेल के द्वारा, ट्रेल के भी काफी सारे काम आते हैं। 1815 इन्होंने क्या किया था, डाक व्यवस्था कहां से, श्रीनगर से अल्मोड़ा। 1823 अस्सी साल बंदोबस्त, 80 साल भूमि बंदोबस्त। 1824 में डबल लोक व्यवस्था, और इन्होंने ही सबसे पहले देसी चिकित्सक की नियुक्ति की थी। थर्टी थ्री में क्वेश्चन नंबर 39 है, किस टिहरी नरेश ने राजधानी में सफा खाना स्थापित करवाया था? ये करवाया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनको जो है नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ताकि जब भी आपको कभी टाइम लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, पटोटी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो पटोटी जो कुंड है वो पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में मैं पहले भी लिखा चुका हूँ आपको, थामरी कुंड हो गया, हरदेव हो गया, काकरोली, असुरा कुंड, नंदा कुंड यहाँ पर है, पार्वती कुंड, पार्वती ताल जो है वो यहाँ पर है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी के हडस्टन द्वारा। यहाँ पर कुछ चाय बागान है राज्य में, लक्ष्मेश्वर चाय बागान अल्मोड़ा में है लक्ष्मेश्वर, 1835 में किसके द्वारा, डॉक्टर फोकनर के द्वारा। हवाल बाग हो गया 1841 मेजर कार्बेट द्वारा, कत्यूर हो गया 1950 रामजी साहब द्वारा, कोलागिर आपका देहरादून में जो कोलागढ़ है अभी वर्तमान में, कोलागिर के सरकारी चाय बागान 1844 में डॉक्टर जेमिसन द्वारा, पौड़ी व गडोले में 1843 के हडस्टन। अगर टिहरी रियासत में आता है कि चाय की खेती कब शुरू हुई थी, तो टिहरी रियासत में भी 1835 से चाय की खेती क्या हुई, शुरू होती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी 2008 में। ऑप्शन फर्स्ट 2010 है, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी इनको दी गई थी, डीलिट की मानद उपाधि है ना। क्वेश्चन नंबर 43, लक्षेप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? लक्षेप हाथ में पहना जाता है, अंगूठी का प्रकार होता है ना, ये मैं बता चुका हूँ पिछले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाजुधारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पाजुधारा उत्तरकाशी में है। इसके अलावा उत्तरकाशी के कुछ बुग्याल आपके पास, केदारकांठा, केदारखल्क, मानेक, देवदामिनी, हरकीदून, कुष्ठारा, गिडारा, तपोवन, छायागढ़, सोनगढ़, दयारा और कुशकल्या। ध्यान रखना तपोवन अगर बुग्याल आता तो आपका उत्तरकाशी में हो गया। तपोवन से ज्यादा कुछ नहीं, वैसे 8-9-10 प्रकार के तपोवन मिल जा रहे हैं, लेकिन तपोवन से केवल दो चीजें क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं कि जहां पर लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी वो है आपका टिहरी जनपद में, और अगर तपोवन बुग्याल आता तो वो आपका कहां पर हो गया, उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, हुड़का मुख्यतः किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो हुड़का भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र है, हुड़का बोल गीत भी जो है भोटिया जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोटा नमक नामक संकल्प लेने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो जौनसार क्षेत्र में प्रचलित है, नमक लोटा संकल्प इसको बोला जाता है, जहां पर क्या है जो पंचायत है वो आपसी जो मामले होते हैं उनको वहां पर निपटाया जाता है। जो व्यक्ति दोषी होता है, जिस पर कोई आरोप लगाया जाता है, वो सभी सभा के बीच में क्या करता है, किसी लोटे में लोटा रखा रहता है, उसमें नमक को घोलता है और महासु को आराध्य मानकर प्रण लेता है कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 है, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में राज्य के तराई भाग को किस नाम से वर्णित किया गया? इब्न बतूता आया था एमबीटी के समय 1333 में, मोरक्को से आया था, तो इसने जो है तराई भाग का जो उल्लेख किया वो किया कराचल के नाम से। क्यों किया है, आपने कराचल अभियान सुना होगा, 1338 में जो है कुमाऊं की पहाड़ियों पर एक अभियान किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना। जो तराई भाग है उसके कुछ नाम यहाँ पर है आपके पास, चंदकालीन कुछ नाम है, नौ लखा माल, वार्षिक 9 लाख की आमदनी यहाँ से प्राप्त होती थी, इसलिए इसको 9 लखा या 9 लाख का माल बोला जाता था। तल्ला देश, मढ़ोकी माल, 84 कोस में फैला हुआ था इसलिए, और तीर भुक्ति, भूदेव के अभिलेख में इसको जयकुन भुक्ति के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता का कराचल हो गया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसका उल्लेख करता है मेहताओं के देश। तैमूर यहाँ पर आया था 1398 में, उसने भारत पर आक्रमण किया था। अगर स्पेशली हरिद्वार का जिक्र होता है तो 1399 में वो हरिद्वार आया था। और तैमूर की जो आत्मकथा है फुतुहात ए तिमरी,
तो उसमें जो है उसने कुटिल दर्रा के नाम से हरिद्वार का वर्णन किया है। उसके साथ उसका जो एक कवि आया था उसका दरबारी था सैफुद्दीन यजदी, इसका नाम कहीं कहीं पर क्या मिलता है सरुद्दीन मिलता है इसका नाम कहीं कहीं पर। तो उसने क्या कहा था कयोपिल या कुपिला, ठीक है कुपिला इसने कहा था। अबुल फजल ने इसको बसंतपुर कहा और निजामुद्दीन अहमद ने इसको दामन एको कहा। आपने अगर पुराने पेपर देखे होंगे यूबीटीआर के समय के तो वहां पर एक क्वेश्चन आता था कि मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई क्षेत्र का नामकरण किस नाम से किया है और आंसर आता था आपका क्या दामन एको। तो स्पेशली किसने कहा था निजामुद्दीन अहमद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 48 है अल्मोड़ा स्थित चंद्रेश्वर शिवालय से किसके द्वारा 200 कप मार्क्स खोजे गए, तो रिवेट करनाक ने खोजे थे, आपको बता चुका हूँ कप मार्क्स में एक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 49 है चंद्रकौर बर्तवाल की प्रसिद्ध कविता संग्रह निम्न में से कौन सी है, यह हिमवंत ऑप्शन फर्स्ट में है, नए युग के शत्रु ये मंगलेश जबराल का है, सेकंड में है आपका वीरवधु देव की ये भजन सिंह सिंह का है और फोर्थ में है महाकाव्य के बिना तो ये किसका है लीलाधर जगुड़ी का। 50 में आते हैं गढ़वाल के लोक नृत्य नामक पुस्तक के लेखक की है आपके कौन शिवानंद नोटियाल, सेलोदय नामक एक पत्रिका आती है इनकी सेलोदय और जो रचनाएं हैं इनकी तपोभूमि गढ़वाल करके आती है। तपोभूमि गढ़वाल कुछ और है इनकी जैसे भारत के वन्य जीव विहार एक आती है पर्यावरण समस्या और समाधान ये भी इनकी एक रचना है ध्यान रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 51 है अंग्रेज सरकार द्वारा किसे मैकग्रेगर अलंकरण से विभूषित किया गया, तो ऑप्शन थर्ड है ज्ञान सिंह फरसवाण 1910 में इन्होंने जो है लेंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा की थी तो उसके लिए इनको जो है ये अलंकरण मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी। इनके साथ थे जो वो थे ऑप्शन सेकंड में पीटी अर्थटन इनके साथ ही थे। ऑप्शन फोर्थ में नैन सिंह रावत 1866 में इन्होंने क्या किया था लासा तक का एक सर्वेक्षण किया था और अंग्रेज सरकार ने इनको कंपेनियन ऑफ इंडियन स्टेट भारतीय देसी रियासतों का साथी ऐसे कुछ करके इनको क्या दी थी उपाधि दी थी। 52 है आरोही परियोजना किस वर्ष शुरू हुई, तो आरोही 2002 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में नहीं आपका चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा इसका गठन किया गया था। कुछ लोग इसका सन 1964 बताते लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है 1964 जो 1964 में है वो दसोली स्वराज मंडल है दसोली स्वराज मंडल और ध्यान रखना 1982 में इनको रेमन मैक्स से मिलता है ना किस क्षेत्र में मिलता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इनको पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है बिल्कुल नहीं परीक्षा में भी शायद पर्यावरण के क्षेत्र में दिया है जब इनको पर्यावरण नहीं के क्षेत्र में नहीं बल्कि इसी संस्था के नेतृत्व करने के उसमें इसी संस्था का इन्होंने नेतृत्व किया था तो उसके उपलक्ष्य में इनको जो है सामुदायिक नेतृत्व सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में जो है इनको दिया जाता है। ध्यान रखना पर्यावरण कोई क्षेत्र नहीं रेमन मैग्सेसे में। 54 है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना स्वामीराम द्वारा, तो इसको हम देख भी चुके हैं 1989 में जो है इसकी स्थापना होती है स्वामीराम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न में से किसे हतीम ताई के नाम से जाना जाता है, तो हतीम ताई है आपका ऑप्शन सेकंड कुंवर सिंह नेगी। तो उत्तराखंड में इतना ही है आप लोगों के पास, मिलेंगे अगली वीडियो में जो जीएस का सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।